फ्रेंड्स, मार्केट में कई तरह के गमले मिलते हैं, जैसे प्लास्टिक, मिट्टी और सीमेंट के। आजकल इस तरह के ग्रो बैग भी मिलने लगे हैं। इन सभी में हम पौधे लगा सकते हैं। अगर आपको गमलों और ग्रो बैग को भरने का सही तरीका पता होगा तो आपके पौधे लगाने के बाद कभी नहीं मरेंगे, हमेशा हरे भरे रहेंगे। तो चलिए आज हम देखेंगे कि सही तरीके से गमले और ग्रो बैग कैसे भर जाते हैं। तो मैंने एक यहाँ गमला लिया है। आप अपने पौधों के ज़रूरत अनुसार छोटा या बड़ा गमला ले सकते हैं। गमले में नीचे जो छेद होता है उसे मैंने एक टूटे हुए गमले के टुकड़े से इस तरह से ढक लिया है और बाजू में मैंने छोटे छोटे ईंटों के टुकड़े रख दिए हैं। ये मैंने इसलिए किया है ताकि मिट्टी से गमले का छेद बंद ना हो और जो एक्सेस वाटर है वो इजीली निकल जाए। अब इसके ऊपर नारियल के छिलके इस तरह से डालें। अच्छे से दबा के नारियल के छिलके डालना है। इसके ऊपर दोस्तों जो हमने पिछली वीडियो में पॉटिंग मिक्स बनाया था वो डालना है। सही तरीके से पॉटिंग मिक्स कैसे तैयार करें इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। फ्रेंड्स, मैंने गमला पॉटिंग मिक्स से भरने के बाद ऊपर से थोड़ा पानी छिड़क दिया है। गमले को एक या दो दिन के लिए सेट होने के लिए रख दें। दो दिन के बाद आप इसमें अपना मनचाहा पौधा लगा सकते हैं। अब देखते हैं कि ग्रो बैग कैसे भरें। दोस्तों, मैंने ये ऑनलाइन ग्रो बैग ऑर्डर की थी। ये 20 ग्रो बैग का एक पैक है। इनकी हाइट 40 सेंटीमीटर है और विड्थ 24 सेंटीमीटर है। ये यूवी ट्रीटेड पॉली ग्रो बैग है, इसलिए इन्हें आप सनलाइट में भी रख सकते हैं। ये आराम से 2 या 3 साल तक चलती है। इस ग्रो बैग में हम टोमेटो, बीन्स, बैंगन, हरी मिर्च, गाजर, शिमला मिर्च आदि सब्जियां लगा सकते हैं। और हाँ, इनमें हम ऑर्नामेंटल प्लांट भी लगा सकते हैं। इन ग्रो बैग में नीचे जो छेद है उनको मैंने सेलो टेप की मदद से इस तरह से चिपका दिए हैं, क्योंकि यहाँ नारियल के छिलके आएंगे तो ये छेद मैंने ऊपर किए हैं जहाँ मिट्टी होंगी, ताकि मिट्टी में जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। दोस्तों, हमें यहाँ नारियल के छिलकों की एक मोटी लेयर डालनी है। इसके ऊपर से हमें एक हरे शेड नेट का टुकड़ा डालना है, जिसे ग्रीन हाउस के लिए या टेरेस में पौधों को गर्मी से बचाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसे यहाँ इसलिए मैंने यूज़ किया है कि अक्सर हम जब भी पौधों को पानी डालते हैं तो काफ़ी सारी मिट्टी और मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व पानी के बहाव से बह जाते हैं। ग्रीन नेट लगाने से काफ़ी हद तक हम इसे रोक सकते हैं। अब इसके ऊपर पॉटिंग मिक्स डालना है। ग्रो बैग को हमें पूरा नहीं भरना है, क्योंकि बाद में इसमें हम बारी बारी से थोड़ी मिट्टी और खाद डालते रहेंगे। अब थोड़ा पानी छिड़के और ग्रो बैग को 1 या 2 दिन के लिए सेट होने के लिए छोड़ दें। फ्रेंड्स, बारिश के मौसम में हमें ग्रो बैग में ज़्यादा छेद करने हैं, ताकि ग्रो बैग में बारिश का पानी जम ना पाए। फ्रेंड्स, मैंने ग्रो बैग में ये एक खीरे की बेल लगाई थी। आप देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी तरह से बढ़ रही है और काफ़ी हेल्दी भी है। तो इस तरह से गमले और ग्रो बैग भरे, ताकि आपके पौधे हरे भरे रहेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियाँ, फल और फूल उगा सकते हैं। फ्रेंड्स, गार्डन रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमें फॉलो करते रहें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।